जनाब स्पीकर, मैं नहायत दुख के साथ चंद अल्फाज जो हैं वो मैं मुश्तमा करके अपने भाई परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको याद करते हुए परवेज़ मलिक साहब इस ऐवान के एक सीनियर रुकन थे। एज ए पार्लियामेंटेरियन जो उनकी खिदमात थी हम सब जानते हैं, वफाकी वजीर रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के वो सदर थे और एक नहायत ही शफीक इंसान थे, एक बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले दोस्त थे, भाई थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनकी मिजाज में जो तहम्मुल था, जो बुर्दबारी थी, जो शफकत थी, बड़े कम इंसानों में आजकल नज़र आती है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, एक बात जो उनकी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। 2002 की असेंबली में हम, हमारी पार्टी के को डेढ़ दर्जन के करीब हम अराकीन यहाँ पे थे, उनमें परवेज मलिक साहब भी थे। लाहौर से बेशतर सीटें थी हमारी, जो डेढ़ दर्जन जो सीटें थी उनमें ज़्यादातर लाहौर की सीटें थी। उन्होंने बसीयत लाहौर के प्रेसिडेंट के अपने दूसरे रफका के साथ, जिसमें मेरे भाई जो हैं बरादर खुद साद रफीक साहब भी बैठे हुए हैं, दूसरे भाई भी वहाँ से जो मेम्बरान हैं लाहौर बैठे हुए हैं, उन्होंने उस इब्तला के दौर में जो किला लाहौर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसका भरपूर दफा किया और उसका सर बुलंद रखा। और पार्टी के साथ उनकी जो वफादारी और जो कमिटमेंट थी वो बार बार जो है उनके अमाल के साथ, जो है उनके अमल के साथ जो है री इन्फोर्स होती रही। हमारी पार्टी का ये बहुत बड़ा नुकसान है परवेज़ मलिक साहब का रहलत कर जाना, जहाँ इस हाउस, ये हाउस जो है एक काबिल और एक पुराने पार्लियामेंटेरियन से महरूम हुआ है। हमारी पार्टी एक नहायत ही मुखलिस कारकुन और रहनुमा से हमारी पार्टी जो है वो महरूम हुई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी बेगम, हमारी बहन शाइस्ता परवेज़ भी इस ऐवान की रुकन है, उनका बेटा अली परवेज़ भी इस ऐवान के रुकन है। हम उनके, उनकी अपनी बहन से, बेटे से और बाकी पसमानदगान से जो है वो दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और ये सारा ऐवान इजहार करता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमारे दिलों में हमेशा बसते रहेंगे और हम उनकी याद जो है हमारे दिलों में से कभी महव नहीं होगी। जनाब स्पीकर, इस रेजोल्यूशन का दूसरा हिस्सा जो है डॉक्टर कदीर साहब के मुतल्लिक है। सारा मुल्क जो है उनकी खिदमात का मोतरफ है। एक ऐसे दौर में जब हम बैरूनी ताकतों से के प्रेशर में आ गए और हमें अपने एटपी प्रोग्राम के मुतल्लक जो है, जिसको जो फाइनल स्ट्रोक जो है नवाज शरीफ ने उसकी धमाके करके खेली, उस प्रोजेक्ट के या उस एटमी ताकत का जो हमने हासूल किया उसके लिए हम अपोलोजेटिक हो गए। और उस वक्त की हुकूमत ने जिस तरह
डॉक्टर कदीर खान साहब को मातूब किया, उन पर मुख्तलिफ किस्म के उस ज़माने में उनको इस बात पर मजबूर किया कि वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें एटमी प्रोग्राम की, बजाय हम फख्र करने के अपने एटमी प्रोग्राम पे और अपनी एटमी ताकत होने के, हम उस दौरे हुकूमत में अपोलोजेटिक हो गए अपने प्रोग्राम के। ये पिछले 20-21 साल जो है डॉक्टर कदीर खान साहब ने नीम जो है नज़रबंदी में गुजारे, और आज हम उनकी खिदमात का इतराफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि उन खिदमात का इतराफ़ करें। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बैरूनी दबाव पे या सियासी मसलतों की वजह से जिन लोगों ने इस मुल्क और कौम की खिदमत की हो, बेशबहा खिदमत की हो, उनको इस तरह मातूब नहीं करते हम। उनकी दुनिया में से वो नहीं रहे, दुनिया से इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस में मैं चाहूँगा कि जो भी उनके साथ हुआ पिछले 20-21 साल में, ये कौम जो है उनसे माफ़ी की खास्तकार है। वमा अलैना इल्लल बलाग।